हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये पोहा कटलेट्स बनाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे, बहुत क्रिस्प बनेंगे। इनको आप सुबह नाश्ते में या बच्चों के टिफ़िन में या शाम को चाय के साथ भी आराम से खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगने वाले हैं। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की कटोरी ली है। उस कटोरी में मैंने पौन कटोरी मोटा वाला पोहा लिया है और अब इस पोहे को मैं अच्छे से 2-3 पानी से धोकर इसमें थोड़े से पानी के छींटे देकर इसको रखूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें पानी के छींटे दे दिए हैं क्योंकि ये मोटा पोहा है, इसको फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कम से कम 5-7 मिनट तो आराम से लग जाएगा। तो हम इसको साइड में रख देते हैं। अब मैंने एक बाउल ली है और ये मैंने मीडियम साइज़ के 5 उबले आलू लिए हैं। इनको अब हम लोग मैश करेंगे। तो अभी तो मैं इनको पहले हाथ से थोड़ा सा फोड़ रही हूँ। आप चाहें तो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं या आप इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो सभी आलूओं को पहले हम लोग फोड़ लेंगे। तो ये हमने आलू फोड़ लिए हैं और ये देखिए, अभी सामान मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने ये शिमला मिर्च ली है, एक बारीक काट कर, एक हरी मिर्च, एक धनिया और प्याज, इन सब चीज़ों को मैंने बारीक काट लिया था। अब ये देखिए, आलू को मैंने बिल्कुल बारीक मैश कर लिया है, बिल्कुल पतला। तो हमारा पोहा भी जो है वो फूल चुका है, तो अब उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से फूल गया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, मैंने इसका पानी बिल्कुल निकाल दिया है। तो अब पोहे को हम आलूओं में ऐड करेंगे। ये मैंने पोहा इसमें ऐड कर दिया। अब जो सब्जियां हमने काट कर रखी थी उनको ऐड करेंगे। तो ये मैंने शिमला मिर्च जो बारीक काटी थी उसको ऐड किया है, ये एक शिमला मिर्च है। अब मैंने एक मीडियम साइज़ की जो प्याज बारीक काटी थी उसको ऐड कर देंगे। और ये एक हरी मिर्च मैंने ली थी, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं जैसे आपको खाने। और खूब सारा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड किया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाया है। 1/4 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर मिला रही हूँ, 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला मिलाया है। और अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून चावल का आटा मिला रही हूँ, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे हाथों से। ये देखिए, सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिल गई हैं। अब हम इनको कटलेट्स का शेप देंगे। आप जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो हमने जो पोहे और आलू का को मैश करके रखा था उसमें से हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है और उससे मैं इस तरह का शेप दे रही हूँ। लंबे लंबे कटलेट्स बना रही हूँ। अगर आपको गोल बनाने हो तो गोल बना सकते हैं या जो भी शेप आपको देना हो आप दे सकते हैं। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा उसमें से पार्ट्स लेते जाएंगे और शेप देते जाएंगे इनको कटलेट्स का। तो ये देखिए, सारे कटलेट्स को हमने शेप दे दिया है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल गरम करा है, ऑयल खूब तेज़ गरम है, हमको तेज़ ही गरम ऑयल चाहिए। तो ये देखिए, अब मैं इसमें कटलेट्स डाल रही हूँ, जितने आए आप उतने डालिए, बहुत ज़्यादा मत एक संग डालिए। वैसे ये टूटते नहीं हैं, अगर बाइंडिंग अच्छे से है तो ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और बस अब हम इनको थोड़ी देर एक तरफ से होने देंगे और थोड़ी देर बाद हम इनको पलटेंगे। तो अब मैं इनको पलट दूंगी। ये देखिए, नीचे से अच्छा सा कलर आने लगा है। तो बस इसी तरह से हम इसको सब तरफ से ऐसे ही पलट पलट कर सेकेंगे और खूब अच्छा सा गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर अब इनमें आने लगा है। फिर भी अभी हम थोड़ी देर इनको और सेकेंगे। तो अब ये कटलेट निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इनको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। तो इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद में जो और कटलेट्स हैं उनको मैं इसमें डाल दूँगी तेल में फ्राई होने के लिए।
तो ये फर्स्ट बैच हमने निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्प बना है। ये देखिए, बहुत क्रिस्प बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर बनाइए। ये देखिए, अंदर से एकदम मॉइस्ट है, ऊपर से एकदम क्रिस्प, बहुत टेस्टी नाश्ता है। तो जब भी कुछ चटपटा और खूब बढ़िया सा नाश्ता करने का मन करे तो आप इसको तुरंत बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है, बस आलू उबालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए, हमारे कटलेट्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके कटलेट्स कैसे बने। थैंक यू।